अगर कोरोना की महामारी ना होती, मैं गारंटी से कहता हूँ कश्मीर की रूपरेखा एक अलग होती। एमएस बिट्टा सर, आपका कमेंट सर, वो ये बता रहे हैं कि चैलेंजेस, हम आतंक का खात्मा कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एमएस बिट्टा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही जी। मैं एक बात आपको स्पष्ट कहूँ, आदित्या जी, आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कल से, जो मैं देख रहा हूँ। सरदार बिक्रमजीत सिंह जी, आर्मी के चीफ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बीच में रह के आतंकवादियों का मुकाबला किया, कल बहुत कुछ सीखने को हमें मिला, हिंदुस्तान के लोग बहुत जागे। और आज आपने फिर वही कल वाला काम किया, सरदार दिलबाग सिंह, जिन्होंने मौत का कफन बांध करके आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कसम खाई है, और बहुत कुछ मिला। ये बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। हम आएंगे, तू मैं करके चले जाते हैं, पर ये प्रैक्टिकल जो आपने शुरुआत की है। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पंजाब में जब आतंकवाद था तो उस वक्त जब पॉलिटिकल विल सामने आई, जब ऑल पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी हुई, गवर्नर रूल था, उसके बाद बेअंत सिंह का शासन था, हमने आतंकवाद को, 15 साल के आतंकवाद को एक साल में समाप्त किया। जब पॉलिटिकल विल हो, पहले क्यों नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर? यही सरदार दिलबाग सिंह जी वहां आईजी थे, डीजीपी थे और कई जगह पे ऑफिसर थे, अब क्यों हुआ? क्योंकि 370 धारा हटी। पॉलिटिकल विल का मकसद था कि कश्मीर के अंदर, जो घाटी के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी, नौजवान लोग जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनका रास्ता बदल करके, और जो जवानों की शहादत होती है उसको बंद करना। और हुआ, आज वो आप एक नई सोच की तरफ जी सर हमारा देश चल पड़ा। और दूसरी बात आपको कहूं, अगर कोरोना की महामारी ना होती, मैं गारंटी से कहता हूं कश्मीर की रूपरेखा एक अलग होती। बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह दूं, 5 महीने का वक्त चाहिए, जो मेरा अनुभव है, जिस तरीके से आतंकवादियों को रोज ठोका जा रहा है, पाकिस्तान से भेज रहे हैं, हमारे जवान ठोक रहे हैं, जिसमें आईबी, जिसमें सीआरपीएफ, जिसमें फौज, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, पहले ऐसी कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, ये पहली बार हुआ है ऐसे पंजाब की तरह कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल फोर्सेस बिल्कुल एक मंच पे इकट्ठी होगी। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम दिन ब दिन एक शांति के माहौल की तरफ जा रहे हैं, और आतंकवादियों को एक गोली चलाते 100 गोली का जवाब देकर रोज ठोकते हैं।